डियर स्टूडेंट्स, आज हम बचे हुए भूल के बाकी भाग को कंप्लीट कर लेते हैं। आज हमारे पास इसका डंठल बचा हुआ है कंप्लीट करने के लिए। तो आपने ध्यान रखना है कि एक साइड से लाइट का सोर्स मानना है। जैसे इधर से अगर लाइट पड़ती है तो हर चीज़ इधर से लाइट होगी और दूसरी तरफ से डार्क होगी, ठीक है। तो ऐसा ही हम करते हैं, लेफ़्ट साइड से इसको हम लाइट का सोर्स मान लेते हैं और डंठल हम बनाएंगे ब्राउन कलर में। एक तरफ से डार्क ब्राउन और एक तरफ से लाइट ब्राउन होगा। डार्क करने के लिए हम किसी भी कलर में कोई डार्क कलर मिला सकते हैं। मोस्टली ब्लैक कलर को यूज़ किया जाता है, पर बड़े ध्यान से इसको ऐड किया जाता है क्योंकि ब्लैक कलर को हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। अगर ये ज़्यादा डल गया तो ये पूरा ही ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक की जगह आप ब्लू यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा डार्क टोन लेने के लिए। देखिए, अब हम इसके जो तना है डंठल उसमें कलर करने वाले हैं।
डिटेल कंप्लीट होता है। अब हम इसके नीचे बचे हुए कलर को ज़मीन की तरह इस साइड को इसकी परछाई बनाई जा सकती है। अब हमारे पास यहाँ पर कली बचती है, इसमें हम वही कलर यूज करेंगे जो हमने ऊपर फूल में कलर किए हुए हैं, यानी वायलेट कलर। यह हमारे पास पहले बचा हुआ है, बनाया हुआ, इसको हम थोड़ा सा यूज करेंगे। इस तरह लगभग ये पौधा तैयार है बनकर, और कंप्लीट हमने इसमें कलर भी कर दिए हैं। अब इसकी रेंडरिंग ब्लैक पेन से हम इसमें फाइनल टचेस दे देते हैं। जो पत्ती में इसकी बीच वाली लाइंस हैं
तो इस तरह हमारा ये फूल की ड्राइंग कंप्लीट होती है। थैंक यू।